चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान स्टेट कोटा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर 2021 है। इसके हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए डिटेल्स को चेक करके बाद में सबमिट करें। इस बार ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड होने के कारण आपको ऑल इंडिया कोटा व स्टेट की काउंसलिंग मैनेज करके करवानी है, यानी कब कौन सा राउंड स्किप करना है और कब एडमिशन लेना है, ये सोच समझकर डिसीजन लेना है। इसके लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। बुक डाउनलोड करने के बाद हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आपने राजस्थान का रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसकी जो वेबसाइट है rajneetug2021.com है, इस पर आपको 2 लिंक मिलेंगे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 2 पार्ट में फिल किया जाएगा, एप्लीकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 फिल करेंगे, उसके बाद में पार्ट 2 फिल करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको होम से नीचे भी एप्लीकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिलेगा, इसके बाद में यहाँ सेंटर में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पर क्लिक कर देते हैं। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे, नीट के रोल नंबर फिल करेंगे, यहां पर डेट और बर्थ फिल करेंगे, इसके बाद में जो नीट 21 में मार्क्स आ रखे हैं वो फिल करेंगे, इसके बाद में कैटेगरी फिल करेंगे। कैटेगरी में राजस्थान में जनरल एससी एसटी एसटीए ओबीसी क्रिमलेयर ओबीसी नॉन क्रिमलेयर और एमबीसी क्रिमलेयर और एमबीसी नॉन क्रिमलेयर, ये कैटेगरी आती हैं। इसमें जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में भी हैं वो यहां पर फिलहाल इसी में वैलिडेशन के लिए जनरल ही फिल करें, बाद में उनको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन देना है। तो इसमें आप अपने कैटेगरी फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये पार्ट 1 में आपकी डिटेल आ जाएगी, जो आपने नीट के रोल नंबर फिल किए हैं वो आ जाएंगे, नेम फादर नेम मदर नेम और कैटेगरी यहां पर आपकी शो हो जाएगी। अगर आपने जनरल कैटेगरी फिल किया है तो आपसे फिर यहां पूछा जाएगा कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, यस, अगर हैं तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। बाकी कैटेगरी अगर आपकी ओबीसी या फिर एससी एसटी है तो यहां पर कैटेगरी शो हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो सेलेक्ट करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन यहां आपने फिल करना है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद में आगे डब्ल्यूडीपी और डब्ल्यूपीपी, यानी कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं तो डब्ल्यूडीपी सेलेक्ट करना है। अगर पैरामिलिट्री से आते हैं, डिफेंस में आर्मी हो गया, नेवी हो गया और जो पैरामिलिट्री है उसमें बीएसएफ सीआरपीएफ ये हो गए, तो इसमें आते हैं तो डब्ल्यूडीपी में आते हैं, डिफेंस से आते हैं तो डब्ल्यूडीपी सेलेक्ट करना है, अदरवाइज WPP सेलेक्ट करना है। अगर दोनों में ही नहीं आते हैं तो इसमें नोट एप्लीकेबल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करना है। इसके बाद में आगे 10+2 की परसेंटेज फिल करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट की, या फिर अगर आपके बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो उनकी परसेंटेज यहां पर फिल करनी है। परसेंटेज आपको डेसिमल में, जैसे कि किसी की 85.20 है तो फर्स्ट वाले में 85 लिखनी है, सेकेंड वाले ब्लॉक में 20 लिखनी है, तो इस प्रकार से परसेंटेज आपने फिल करनी है। इसके बाद में आई हैव पास्ट वाले इसमें चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना है। ईमेल एड्रेस यहां फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, इसके बाद में डोमिसाइल स्टेट जो भी है आपका, राजस्थान है तो राजस्थान कर देना है, दूसरा है तो दूसरा कर देना है। इसके बाद में यहां पर आपको फैमिली इनकम के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से सालाना कम है तो आपने यहां यस का ऑप्शन देना है, अदरवाइज नो का ऑप्शन देना है। अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1200 रुपए लगेगी, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर 2000 लगेगी। इसमें आपको अगर 2.5 लाख से कम है तो एक इनकम सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड करना होगा, जो 4 पेज का आता है और जिसमें 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, वो यहां पर साथ साथ अपलोड करना होगा। इसमें बेनिफिट यही है कि अगर 2.5 लाख से कम है तो 800 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस में फायदा हो जाता है, अगर ज्यादा है तो इसमें 2000 रुपए फीस लगती है। इसके बाद में अदर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको, आप कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, डोमिसाइल की जो कंडीशन है राजस्थान की, उनमें यहां 11th कंडीशन दे रखी है। तो इसमें जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जो 10 साल से राजस्थान में रहने रहे हैं जिनके पेरेंट्स, और 5 साल जिन्होंने राजस्थान में स्टडी कर रखी है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट में देना है। सेकंड ऑप्शन में यह है कि राजस्थान
बन के तो रहने वाले हैं परमानेंट, लेकिन जो उनकी एजुकेशन हो रखी है वो अदर स्टेट से हो रखी है तो सेकंड ऑप्शन में देना है। ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड ही होता है राजस्थान के रहने वालों के लिए। तो इसमें जो राजस्थान में रह रहे हैं और राजस्थान में जिन्होंने स्टडी की है तो फर्स्ट ऑप्शन ही देना है आपको। और इसके अलावा दोनों ऑप्शनों के अलावा और भी अगर आपकी जो कैटेगरी इसमें एलिजिबिलिटी है तो बाकी ऑप्शन भी यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो 11 में देंगे अदर्स के लिए। तो इस प्रकार से आप इसमें अपना एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर दें। राजस्थान के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं राजस्थान के अलावा वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड राउंड से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों के लिए ही होता है। तो ये सारा करने के बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके पास एप्लीकेशन पार्ट वन की समरी आ जाएगी जिसमें आपने नीट का रोल नंबर फिल किया था, नेम, फादर नेम, ये सारा सब कुछ फिल किया था, वो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल्स को आप ध्यान से चेक करें क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर दोगे तो फिर इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर एडिट करके फॉर्म आपका दोबारा फिर फिल कर सकते हैं, एडिट पे चला जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो सबमिट पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फीस पेड करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 2000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, अगर कम है तो 1200 रुपये डिपॉजिट करने। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं एससी एसटी एसटी ए वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको लिए ये 1200 रुपये डिपॉजिट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से जो सिंपली पेमेंट करते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। हम पे विथ में किस किस के साथ कर सकते हैं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड कर सकते हैं, इसमें UPI का पेमेंट भी है, UPI से भी कर सकते हैं आप। तो जैसे भी आपको सुविधा हो उसी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में भी पेमेंट किया होगा, बाकी अदर साइट्स पर भी आपने पेमेंट किया होगा, तो प्रोसीजर पेमेंट का सेम ही है, उस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपकी स्क्रीन पर आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे, ये आपके मेल आईडी पर भी आ जाएंगे और मोबाइल पर भी आ जाएंगे, आपने इनको नोट करके रख लेना है। तो यहां पर आपका पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आपने फिर नेक्स्ट करना है तो फिर इसके स्क्रीन पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट टू पर क्लिक करना है आगे, यानी कि पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट टू के लिए हम फिर होम पेज पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट टू वाले लिंक जो मैंने आपको पहले बताया था पार्ट वन और पार्ट टू का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी देना है और पासवर्ड देना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड देंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ये पार्ट टू आपको इन डिटेल्स के साथ फिल करना है, पहले बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, फिर एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है, फिर NRI सीट ऑप्शन फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, डिक्लेरेशन करना है, प्रीव्यू देखना है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। इन स्टेप्स के साथ में आपको पार्ट टू कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहां आपको मिस्टर जो मिसेज या मिस जो भी है ऑप्शन वो आप सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन में मिलेंगे, उसमें आपका अपना जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहां कर देंगे। नेम आपका ऑलरेडी आ रखा है, पहले फिल किया है आपने, डेट ऑफ बर्थ भी पहले फिल किया है, स्टेट बर्थ आपने फिल करना है, या जेंडर फिल करना है, फादर नेम आपने फिल कर रखा है, मदर नेम फिल कर रखा है, वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ फिल करना है और उसका बाद में आपका अगर परमानेंट एड्रेस भी वही है तो इस पर टिक कर देना है, सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना है तो एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस भी यहाँ आपने फिल कर देना है। इसके बाद में फ़ोन नंबर देने हैं आपने, इसके बाद में मोबाइल नंबर देने हैं आपने, ईमेल आईडी आपने पहले दे रखा है वो शो हो जाएगी, डोमिसाइल स्टेट आपका यहाँ शो हो जाएगा जो पहले आपने पार्ट वन में दिया है, आधार कार्ड यहाँ फिल करना है आपको और नेशनलिटी फिल करनी है। तो ये बेसिक डिटेल्स होगी आपकी
बेसिक डिटेल बड़े ध्यान से फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, या नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये सेकंड स्टेप एजुकेशनल डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे हम। तो इसमें आपको सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है, नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से हैं, CBSE से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में 10th पास की है, और परसेंटेज क्या है नीचे वाले कॉलम में करना है। इसी प्रकार से 10+2 का करना है, बोर्ड का नेम लिखना है, स्टेटस ऑफ रिजल्ट्स में देखना है कि आपको यहाँ अपेयरिंग करना है या पास्ट करना, तो आपका तो पास्ट ही होगा इस साल के लिए, तो यहाँ पास्ट कर देना है। ईयर और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपने कितने साल में 12th पास किए, वो लिख देना है यहाँ पर। यहाँ थर्ड सब्जेक्ट लिखना है, तो थर्ड सब्जेक्ट में ज्यादातर स्टूडेंट के बायोलॉजी होती है, अगर बायोटेक्नोलॉजी जिस स्टूडेंट के है तो थर्ड सब्जेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद में परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है, यहाँ पर परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और थर्ड सब्जेक्ट जो आपका बायोलॉजी है उसका लिखना है, और इंग्लिश का लिखना है। तो इन चारों सब्जेक्ट का आपने यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है 12th का। इसके बाद में नेम एंड प्लेस स्कूल का, जो 12th का आपका स्कूल है वहाँ का एड्रेस यहाँ पर देना है, उसका नाम देना है और जगह लिखनी है कि कहाँ सिचुएटेड है वो। इसके बाद में सेलेक्ट कोर्स में MBBS BDS आएगा, तो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें बोथ में भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा NRI सीट ऑप्शन। अगर आप NRI सीट लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दें, और नहीं तो यहाँ पर नो कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ जनरली दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जो आप पहले भी करते आए हैं इसमें, तो जो ये करना है वो इसमें। इसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अलावा अगर आप 2.5 लाख से इनकम कम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जो 4 पेज में 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर आप वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो डिफेंस का WDP का या WPP का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आप WPP से भी हैं, 2.5 लाख से इनकम कम भी है, तो भी आपको फिर दो सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, एक इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा WDP या WPP का सर्टिफिकेट। तो ये आपको जनरली जिसके लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ शो हो जाएगा वो सर्टिफिकेट, मतलब कि यहाँ लिंक शो हो जाएगा उस सर्टिफिकेट का, और वही आपको अपलोड करना है। अगर आप 2.5 लाख से कम नहीं, आपकी ज़्यादा है, WDP WPP नहीं है, तो आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं, तो ये इस पर आप अपलोड कर दें। इसके बाद में लास्ट में आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में फिर पूरा एक प्रिव्यू आ जाएगा अपने एप्लीकेशन का, जो आपने एप्लीकेशन में क्या क्या फिल किया है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आप एक बार पूरा चेक कर लें, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर बैक में करें, फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर बाद में आपको कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से पूरा प्रीव्यू को चेक कर ले, अगर मिस्टेक है तो बैक से जाके उसको सही कर दे, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दे। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा आएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली, और आप इसका एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आप बाद में लेना है। इसका एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आप पार्ट टू का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, पार्ट वन का आप पहले भी ले सकते हैं। पार्ट वन के लिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, होम पेज पर जाएंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट वन का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप पार्ट वन का प्रिंट ले सकते हैं, पार्ट वन का प्रिंट बाद में लिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी, सिक्योरिटी मनी के बाद च्वाइस फिल होगी, वो बाद का है, अभी डेट उसका अनाउंस हुआ नहीं है, तो वो समय के साथ में आपको बता दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था राजस्थान स्टेट की रजिस्ट्रेशन का, बाकी स्टेट का रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होंगे उनका क्या प्रोसीजर रहेगा वो समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।